स्टेशन कराची से। इस टाइम हम खड़े हैं कराची के एरिया कुरंगी नंबर 2 में। यहाँ चलते हैं, लोगों से पूछते हैं यहाँ पे उनको क्या मसले मसाइल हैं। हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनको क्या मसले मसाइल हैं यहाँ। मसले तो इतने हैं कि हम बता नहीं सकते। सबसे पहले तो ये बिजली का मसला है। बिजली का बिल आपको भरना होता है, आपको खाने को हो या ना हो बिजली का बिल भरना पड़ता है। किस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये हम जानते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं जानता। अपने बच्चों को खिलाना इतना मुश्किल हो रहा है कि अगर सामान खरीदना पड़ता है तो सोचते हैं सब्जी के बारे में सोचते हैं तो गोश्त तो फिर बहुत दूर की बात रही। मतलब महंगाई हो गई है यहाँ। महंगाई इतनी इस कदर की जिसकी कुछ हद नहीं। सबसे मेन मसला जो बिजली का है इस वक्त, गंदगी तो है ही, कराची शहर में जितनी गंदगी है शायद ही कहीं हो। मगर सैलरी मिलती है तो सैलरी मिलने से पहले परेशानियाँ आ जाती हैं। क्या वही बात है, किस तरह हमें खाना है, किस तरह क्या करना है, बहुत परेशान, इतने परेशान हैं कि भाई आप मेरे दिल से तो बद्दुआएं निकलती हैं। ये हुकूमत के लिए बहुत बद्दुआएं कि पहले तो ये जो महंगाई थी अब तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अब बताएं क्या करें, अपने बच्चों को कैसे खिलाएं या हम क्या करें। सबसे मेन मसला बिजली का है। बिजली के बिल हमारे 10-10 हज़ार आ रहे हैं। 2 पंखे चल रहे हैं, 2 लाइटें चल रही हैं। कोई कारखाना है कि घर में हमारे जो बिजली के बिल 10 हज़ार से ऊपर ही आते हैं। 2 पंखे हैं सिर्फ हमारे घर में, बिल इतने आ रहे हैं। इतने कमाने वाला एक है, हमारा शौहर जिनकी टांग भी टूटी है। फिर जाहिर बात है ओवर टाइम भी मजबूरी में लगाना होता है, पर महंगाई से तो हम तंग आ गए। तो आप क्या बोलना चाहेंगी हुकूमत को? हुकूमत को यही बोलना चाहेंगे कि खुदारा रहम करो, गरीबों पर रहम करो और महंगाई कम करो। और क्या कैसे आंटी से हमने बात की है, उन्होंने यही बताया कि बेरोजगारी बहुत है और इसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इनकी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इनका ये मसला हल किया जाए। शुक्रिया।